बड़वारा में आम आदमी पार्टी के द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बेरोजगारी संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान आप प्रदेश अध्यक्ष संदीप शाह व आप यूथ अध्यक्ष रज्जू तिवारी, राघवेंद्र सिंह सहित बड़ी मात्रा में गांव के युवा मौजूद रहे। बड़वारा क्षेत्र के रोहनिया ग्राम में आम आदमी पार्टी के द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम रखा गया, जहाँ बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संदीप शाह ने कहा कि आज मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गई है, युवा दर दर भटकने पर मजबूर है, युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाया जाएगा, विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष भर्ती निकाली जाएगी, संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया अधिकतम 10 माह में पूर्ण कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी और उक्त समय सीमा में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण न होने की दशा में नियुक्ति होने तक अभ्यर्थी को ₹5,000 प्रतिमाह क्षतिपूर्ति भत्ता दिया जाएगा। सभी परीक्षाओं में आवेदन शुल्क अधिकतम ₹100 किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षा में आवेदन करने के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य किया जाएगा और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अधिकतम 5% पदों पर ही आवेदन की पात्रता दी जाएगी। इंटरव्यू के आधार पर सीधी भर्ती को बंद किया जाएगा। रोजगार पोर्टल में सुधार किया जाएगा। प्रदेश के सभी विभागों में रिक्त पदों की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं रोजगार पोर्टल पर भी बेरोजगार युवाओं की संख्या समय समय पर अपडेट की जाएगी। बड़वारा विधानसभा की ग्राम रोहनिया में आज माननीय संदीप शाह जी की उपस्थिति में, जो प्रदेश अध्यक्ष योगी आम आदमी पार्टी के, उनकी उपस्थिति में सरकार की त्रुटियों को जनता के बारे में बताया गया एवं युवाओं को जोड़ने की बात कही गई और काफ़ी सारे युवा अभी भाजपा और कांग्रेस छोड़ छोड़ कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। काफी लोगों ने सदस्यता भी ली है। बड़वारा विधानसभा में आए हुए थे, जिसमें जिले के नौजवानों से चर्चा की, नौजवानों से प्रदेश की बदहाली, जो नौजवानों की जवानी निकली जा रही है, लेकिन आज प्रदेश के अंदर किसी तरह से क्यों वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी आ भी रही है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही है। आज मंत्री और सांसदों के द्वारा सिर्फ अपने नातो रिश्तेदारों को भर्तियों के अंदर रखा जा रहा है। माननीय जो इस कटनी क्षेत्र के सांसद हैं बी डी शर्मा जी, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी उनके द्वारा व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा था। उन्होंने अपने कृषि विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर अपने ससुर जी के तौर पर केंद्र रखा हुआ है। इन मुद्दों को लेकर के प्रदेश व्यापी हम लोग युवा संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।